हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमें अपने आधार कार्ड में एक POA और एक POI यानी कि प्रूफ ऑफ एड्रेस और प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, दो डॉक्यूमेंट्स को हमें अपने आधार कार्ड में अपलोड करना है यानी कि अपडेट करना है अपने आधार को कंटिन्यू यूज़ करने के लिए। दोस्तों, ये जो पहले लिमिट थी ये थी 14 मार्च तक, लेकिन अभी इसको बढ़ा के 14 जून कर दिया गया है। देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है कि दिस सर्विस इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट टिल 14th of June। 14 जून तक अगर आप इसमें अपने डेट डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करेंगे तो आपको फ्री में हो जाएगा, उसके बाद हो सकता है आपको पैसे पे करने पड़े। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने आधार कार्ड में अगर अपने डॉक्यूमेंट्स को आपने अपडेट कर दिया है और आपको उसके स्टेटस को चेक करना है कि वो एक्सेप्ट हुआ है कि रिजेक्ट हुआ है, तो उसके स्टेटस को कैसे चेक करें, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ। दोस्तों, अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है आधार कार्ड में तो उसको कैसे करें, इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। उस वीडियो का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख के अपने डॉक्यूमेंट्स को अपने घर बैठे मोबाइल से ही ऑनलाइन खुद ही अपडेट कर सकते हैं। सो दोस्तों, मैं आपको बताऊँगा कि आप अपने स्टेटस को कैसे चेक करना है। सो दोस्तों, आपको अपने मोबाइल में जो है क्रोम ओपन करना है, उसमें लिखना है माई आधार। माई आधार लिख के जब आप सर्च कर देंगे तो देखिए आपके पास जो आधार कार्ड का वेबसाइट होगा माई आधार का, वो देखिए उसका लिंक सबसे ऊपर आएगा, इस पर आपको क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है। सो दोस्तों, देख सकते हैं कि हम लोग जो है आधार की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं। यहाँ पे देखिए एडवर्टाइज भी दिया जा रहा है कि आपको अपने आधार कार्ड में डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है, तो यहाँ पे हम इसको क्रॉस पे क्लिक करके इसको क्लोज करते हैं। उसके बाद स्क्रीन को थोड़ा सा ऊपर करेंगे तो यहाँ पे देखिए अपडेट आधार का यहाँ पे सेक्शन है, इसके अंतर्गत यहाँ पे दिखाया गया है चेक आधार अपडेट स्टेटस, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। देख सकते हैं यहाँ पे लिंक दिया गया है, इस पर आपको क्लिक करना है। अब आपके सामने एक दूसरा पेज खुल के आएगा आधार अपडेट स्टेटस को चेक करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए अभी आपके पास आ गया है ऑप्शंस चेक आधार स्टेटस का, तो यहाँ पे आपको तीन ऑप्शंस दिया जा रहा है। एनरोलमेंट आईडी से चेक कर सकते हैं, SRN नंबर है तो उसे चेक कर सकते हैं, और URN नंबर है तो उसे चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स को अपडेट करेंगे अपने आधार में तो वहाँ पे आपको SRN नंबर मिलेगा, उस SRN नंबर के थ्रू जो है आपको यहाँ पे डिटेल्स को चेक करना है। तो SRN पे आपको क्लिक करना है, उसके बाद जो SRN नंबर है वो एंटर करना है यहाँ पे, फिर कैप्चा को एंटर करना है, फिर सबमिट पे क्लिक कर देना है। सो दोस्तों, यहाँ पे हमने अपने SRN नंबर को एंटर कर दिया है, अभी यहाँ पे कैप्चा एंटर करते हैं। कैप्चा को एंटर करने के बाद फिर आपको सबमिट के बटन पे क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं सबमिट पे क्लिक करते ही आपके पास यहाँ पे एक डिटेल्स आ जाएगा, ड्राफ्ट स्टोरेज, पेमेंट स्टेज, वेरिफिकेशन स्टेज, वैलिडेशन स्टेज और कंप्लीटेड। तो यहाँ पे आपको अपने आधार में जो डॉक्यूमेंट अपडेट का स्टेटस है यहाँ पे देख सकते हैं कि कंप्लीट हो चुका है। सो दोस्तों, इस तरह से जो है आप अपने आधार कार्ड में अपने डॉक्यूमेंट अपडेट के स्टेटस को खुद ही मोबाइल से चेक कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों की ये इन्फॉर्मेशन आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर ये इन्फॉर्मेशन, ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे चैनल पर आपको ऐसी वीडियोज़ देखने को मिलती रहती हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।